हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है नहीं है, तो वही इसमें भी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, दे रखा हुआ ऑन जेड प्लस जिनकी इंटीजर्स का सेट है पॉजिटिव, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a की पावर b ना? यस, 2a की पावर b। अब नाउ इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी बात करेंगे किसकी, कम्यूटेटिव की, फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी, एसोसिएटिव की। सो कम्यूटेटिव की बात करें हम, सॉल्यूशन निकालें। सो इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, इफ स्टार कैसा है, कम्यूटेटिव है, सो क्या होना चाहिए, स्टार कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। यही तो करते आ रहे हैं हम, बी स्टार ए होना चाहिए। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ए स्टार बी को। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a की पावर b, ये तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब बी स्टार ए की बात करते हैं, तो 2, अब a की पावर b, a और b दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए। अब ये बताओ कि 2ab इक्वल है 2ba के या नहीं है, a और b की मल्टीप्लाई, b और a की मल्टीप्लाई, 2 3 6 3 2 6, बात तो एक ही है क्योंकि z पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और जो स्टार है हमारा इज कैसा हो जाएगा, कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। अब लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ स्टार इज एसोसिएटिव, सो हमारी जो कंडीशन होती है क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही तो कंडीशन होती है। अब ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे सी रह गया, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो पहले ए स्टार बी को सॉल्व करते हैं, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2a की पावर बी स्टार सी। अब देखो इसको ध्यान से देखना, यहाँ से इसको पूरे को सपोज किया मैंने क्या ए, इसको तो पूरे को मैंने ए सपोज किया, ये हो गया क्या सी। अब इसको फॉर्मूले में वही लगाया तो क्या लिखेंगे, 2 ए की जगह लिख दिया 2ab, 2a की पावर b, और ये सी की जगह हमने लिख दिया क्या, b की जगह c लिख दिया, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 2ab, और यहाँ पर आ जाएगा क्या c। ये c जो है वो 2 की मल्टीप्लिकेशन में, a की और b की मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि यह है 2 की पावर 2ab मल्टीप्लाई सी, यानी कि 2.c लिख दिया मैंने इसको। अब हम मैं बात करता हूँ ए स्टार बी स्टार सी की, तो ए स्टार तो ऐसी रहेगा, बी स्टार सी क्या हो जाएगा, 2 की पावर बी सी हो जाएगा। अब ए स्टार 2 की पावर बी सी करूँगा तो मैं देखो 2 की जगह 2, ए की जगह तो मैं ए ही लिखूँगा, ठीक है, बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं 2bc, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर ए 2bc, ये हो जाएगा 2 की पावर ए बी 2c। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर ए बी है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर बी सी है, और ये तो डिफरेंट होगा ना, यानी कि एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते ना, यानी कह सकते हैं 2 स्टार ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, होंगे नहीं होंगे, मैंने बोला कि दोनों क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो यानी कि इट इज डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर ए बी, यहाँ पे 2 की पावर बी सी आ रहा है, यहाँ पर पावर हो रही है ए सी, यहाँ पर पावर हो रही है क्या ए, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर मैं ए बी की जगह 1 2 लगा दूँ, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 सपोज करते हैं, दोनों की वैल्यू 1 है ए और बी की, सी की वैल्यू सपोज करते हैं 2 है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही रहेगा, और 2 2 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पावर आपस में मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ पर चेक करो आप, तो 2 की पावर तो ये 1 है, ठीक है, ऊपर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर भी 2 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, पावर की पावर होती चली जाएगी वहाँ पे, तो दोनों क्या हैं डिफरेंट थिंग है, यानी कि दोनों के आंसर क्या आएंगे अलग अलग आएंगे, दैट्स वाई ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार कैसा नहीं होगा यहाँ पे, एसोसिएटिव नहीं होगा। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया हो। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन जेड प्लस
वी हैव टू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज कम्यूटेटिव और नॉट. सो पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है या नहीं है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इट इज एसोसिएटिव और नॉट. सो कम्यूटेटिव के लिए इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, अगर स्टार कैसा है कम्यूटेटिव है, सो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए. और इफ इट स्टार इज एसोसिएटिव, अगर स्टार कैसा है एसोसिएटिव है, तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ए स्टार बी स्टार सी. अब जो हमें दे रखी है आइडेंटिटी, जो भी इस तरीके से दे रखी है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं. देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या रखा है, ए की पावर बी, ठीक है ए की पावर बी लिख लिया. अब बी स्टार इज इक्वल टू क्या रखा है, ए की पावर बी हो रही है, सो इसको कैसे लिखेंगे, बी की पावर ए. अब ये बताओ कि दोनों सेम थिंग है अलग अलग थिंग है. फॉर एग्जाम्पल ए की जगह मैंने लिखा 1, बी की जगह लिखा मैंने 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 1. इसका आंसर तो 1 और इसका आंसर क्या 2. अब ये 1 किसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि जो हमारा स्टार है इज नॉट कम्यूटेटिव. यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो कम्यूटेटिव हमें फाइंड करना था, तो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव. अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव में ए स्टार बी, पहले हम ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं. तो ए स्टार बी मीन्स ए अपॉन बी, ए की पावर बी स्टार सी. अब इसको हमने पूरे को सपोज कर लिया ए, इसको पूरे को सपोज कर लिया ए, तो ये हो जाएगा ए बी और ये क्या हो जाएगा सी, यानी कि ए की पावर बी फिर उसकी पावर सी हो जाएगी. अब इसी तरीके से हम इसको देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी, सो ए स्टार बी स्टार सी देखो, सो बी की पावर सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए स्टार बी, यानी कि बी की पावर सी हो जाएगा. अब द बोथ आर सेम थिंग और डिफरेंट थिंग, लेट्स चेक. सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 सपोज कर लिया मैंने. सो अगर मैं ए स्टार बी फाइंड करूं, स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करता हूं मैं, सो ए स्टार बी मीन्स क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 स्टार सी ऐसे रहेगा. सो 1 की पावर 2 1 स्टार सी कितना हमारा 3. सो ए स्टार 3 यानी कि ए की पावर 3 यानी कि कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई 1 आ गई. अब बात करते हैं किसकी, ए स्टार बी बी की पावर सी की बात करते हैं. सो ए स्टार बी की पावर सी, सो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ए स्टार बी की पावर सी, सो ए स्टार बी की जगह क्या लिख दिया हमने 2 एंड सी की जगह लिख दिया 3. सो ए स्टार 2 to the 4, 4 to the 8. सो ए स्टार 8 यानी कि ए की पावर 8 यानी कि 1 की पावर 8 इज इक्वल टू 1. सो इस कंडीशन में तो ये क्या रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या रहे हैं इक्वल आ रहे हैं. बट अगर हम इसकी वैल्यूज़ को क्या कर दें चेंज कर दें, यहाँ पे कर दें 2, यहाँ पे कर दें 3, यहाँ पे कर दें क्या 4, तो देखो वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं. यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2 to the 4, 4 to the 8, यहाँ पे कितना आएगा 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 4, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे. सेम थिंग्स यहाँ पर करा हमने क्या b की पावर c हो जाएगा यहाँ पे सिंपली. सो b की पावर c मीन्स 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 मीन्स 3 3 the 9 9 3 the 27 27 3 the 81, और a की जगह हम लिखेंगे क्या, a की जगह लिखा हमने 2 की पावर 81. 2 की पावर 81 मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 81 बार, और इसको अगर हम 2 में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा ये 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 into 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 3 3 3, यानी कितना हो जाएगा 12. ये 2 की पावर कितना आ रहा है 12, ये कितना आ रहा है 2 की पावर 81. तो दोनों की वैल्यू जो है क्या है 2 की पावर 81 और 2 की पावर 12, दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है. दैट्स वाई वी कैन से दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इस कंडीशन में क्या नहीं है स्टार एसोसिएटिव नहीं है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन आर, आर की वैल्यू है एक्सेप्ट -1.
माइनस वन नहीं है एक्स आर की वैल्यू, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन। सो पहले हम फाइंड करेंगे क्या इट इज कम्यूटेटिव और नॉट, एंड देन एसोसिएटिव। सो स्टूडेंट्स इफ इट इज कम्यूटेटिव सो अगर कम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। अब दोनों की वैल्यू निकाल के देखते हैं। सो ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइंड है, ए अपॉन बी प्लस वन। यह ए स्टार बी यानी कि फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखा और सेकंड टर्म को बी प्लस वन कर दिया, यानी कि सेकंड टर्म को प्लस वन कर दिया। इसी तरीके से हम बी स्टार ए करें सो बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ए कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि ए प्लस वन। अब दोनों को गौर से देखो ये क्या आ रहा है, ए अपॉन बी प्लस वन, ये यहाँ पर आ रहा है बी अपॉन ए प्लस वन, यानी कि बोथ आर डिफरेंट, यानी कि ए अपॉन बी प्लस वन डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस वन, मीन्स ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस वी कैन से दैट स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एसोसिएटिव, सो इफ स्टार इज एसोसिएटिव, कंडीशन क्या होती है वहां पर, स्टार अगर एसोसिएटिव होता है तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फाइन करते हैं हम। सो ए स्टार बी स्टार सी निकाल के देखते हैं पहले। सो ए स्टार बी स्टार सी यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी प्लस वन, फिर स्टार सी। अब ये पूरी इस पूरी वैल्यू के लिख लेंगे हम ए लिख लेंगे। सो ए को तो ऊपर भेज देंगे यानी कि ए अपॉन बी प्लस वन, और यहाँ पे क्या जाएगा सी प्लस वन, यही तो होगा ना, यानी कि ए को तो ऊपर भेज दिया, ए बी प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या जाएगा सी प्लस वन। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, यानी कि ए अपॉन बी प्लस वन एंड सी प्लस वन आफ्टर सॉल्विंग, सो बी सी प्लस बी प्लस सी प्लस वन, यह आ गया बी सी प्लस बी प्लस सी प्लस वन। इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। सो नाउ ए स्टार बी ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन सी प्लस वन आ जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। सो ए स्टार बी अपॉन सी प्लस वन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, बी की जगह लिखेंगे तो बी सी प्लस वन प्लस वन। सो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा ए, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लो सी प्लस वन, ये कहेगा बी प्लस सी प्लस वन। अब इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए सी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस वन, यानी कि एक आ रहा है ए सी प्लस ए और नीचे आ रहा है क्या बी प्लस सी प्लस वन, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि जो हमारा स्टार है इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार कैसा नहीं है एसोसिएटिव नहीं है। पहले हमने क्या करा, दोनों को सेपरेट अलग अलग सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद में हमने देखा कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, सो क्या नहीं होगी एसोसिएटिव नहीं होगी, ना ही ये कम्यूटेटिव है ना ही क्या है एसोसिएटिव, यानी कि स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव और नॉट एसोसिएटिव। सो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीरियड में, टिल देन टेक केयर।